हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए श्रुति लेख का वीडियो लेकर आई हूँ कक्षा 11 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए। आप लोगों ने अगर व्हाट्सएप पे मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाया करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको इंस्ट्रक्शन समझने होंगे। सबसे पहले तो ईयरफोन्स यूज़ करिए अगर आवाज़ आपको साफ़ नहीं आ रही है तो, और जो मैं आपको बोलूँगी उसको आपको भी अपने मन मन में दोहराना है लिखते समय, ताकि आपका उच्चारण भी शुद्ध हो। क्योंकि ज़्यादातर गलतियाँ इमला की तभी होती हैं जब आपका उच्चारण शुद्ध नहीं होता, आप गलत बोलते हैं और उसको उसी प्रकार गलत रूप में लिख लेते हैं। और पूरा वीडियो खत्म करने के बाद जितनी आपकी गलतियां होंगी उनको शुद्ध रूप में 8-10 बार लिखने की प्रैक्टिस करिएगा, ताकि फ्यूचर में उन शब्दों की गलती आपसे दोबारा से ना हो। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑन कर लेना, सिलेक्ट कर लेना ऑल पर, ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहा करें। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे पास एक यही मोटिवेशन होता है जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं या आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं या शेयर करते हैं। चलिए लिखना शुरू करिए। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चोकड़ी अंडर ब्रैकेट लिखिए कुड़की गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यावस्था में ही माँ का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति फिर पिता और एक युद्ध के दौरान श्वशुर का भी देहांत हो गया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने
निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात बिहार और बंगाल तक प्रचलित हैं। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवित्री मानी जाती हैं। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध हैं। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। इन पर योगियों संतों और वैष्णव भक्तों
का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है, प्रभाव पड़ा है। मीरा के पदों की भाषा में, पदों की भाषा में राजस्थानी, राजस्थानी ब्रज, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है, मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं, मिल जाते हैं। ये मैंने आपको बोला है मीराबाई का चैप्टर, उनकी जीवनी कक्षा 10 की किताब से। आप लोग वीडियो को देख करके भी लाइक नहीं करते हो और शेयर नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, हेल्थ इश्यूज़ होने के बाद, तबीयत ख़राब होने के बाद मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा गला ठीक नहीं है। मैं आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे वीडियोस पोस्ट करती हूँ, और आप लोग इतना भी नहीं कर सकते अगर कि वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। तो आप ये बताइए, मैं आप लोगों के लिए ही तो ये वीडियोज़ बना रही हूँ। जिन बच्चों को इनसे पढ़ने की ज़रूरत है, अपनी हिंदी को सुधारने की ज़रूरत है, तो आप लोगों को इनको शेयर करना चाहिए। किसी को नहीं पढ़ना है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट आपको शेयर करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और वीडियोस को शेयर कर देना। चलिए अगली दी हुई स्लाइड से अपनी गलतियों को चेक करिए और उसके बाद में उसको शुद्ध रूप में लिखने की कोशिश भी करिए, अगर आपकी गलतियाँ निकलती हैं तो। स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो आप लोग लाइक तो कर ही सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लासमेट्स को इन वीडियोस को प्लीज़ शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे बने हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा के ऑन कर देना, सिलेक्ट कर लेना ऑल पर, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।